मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस उत्तर प्रदेश राशिचंडन ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हमारा विषय है फैशन फैशन से संबंधित जानकारी ही मैं आज आपको प्रदान करने जा रही हूँ ये जो विषय है ये हमारे अलग अलग तीन कोर्सेज के लिए उपलब्ध है और तीनों ही कोर्सों में हमें फैशन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए सहयोग करेगा फैशन क्या है फैशन की आवश्यकता क्यों है फैशन का हम प्रयोग क्यों करते हैं ये हम जानेंगे लेकिन किस किस विषय में हम जानेंगे या ये देखते हैं टेक्सटाइल का जो यूज़ किया जाएगा वो फैशन के संदर्भ में किया जाना है टेक्सटाइल एक विषय है जो कि डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में सहयोगी है जिसको कि हम डी टी डी के नाम से जानते हैं टेक्सटाइल बीए फैशन डिज़ाइनिंग में यू जी एफ डी के रूप में जाना जाने वाला पेपर है और मास्टर इन होम साइंस में टेक्सटाइल को हम प्रयोग करते हैं एक मुख्य विषय के रूप में एम ए एच एस सी कोर्स के लिए हमारा टेक्सटाइल का जो पेपर है वो पढ़ाया जाता है इन तीनों में ही हमें फैशन और मोटिव्स की जानकारी प्राप्त करनी होती है फ़ैशन क्या है मोटिव्स क्या हैं तो फैशन एक ऐसी प्रक्रिया है एक ऐसी विषय वस्तु है जिसको कि हम लाइन कलर शेप और टेक्सचर के सहयोग से तैयार करते हैं और मोटिव उससे तैयार एक नमूने के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाला तत्व है जिसे हम मोटिव के नाम से भी जानते हैं और मोटिव के नाम से भी जानते हैं दोनों ही शब्दों को एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है Osionfish. इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के डिज़ाइंस को सेलेक्ट करते हैं जैसे हमें अगर स्वास्तिक बनाना है तो स्वास्तिक को हम गोले में बना सकते हैं स्वास्तिक को हम लाइन में बना सकते हैं स्वास्तिक को हम कई बार रिपीट कर सकते हैं स्वास्तिक को हम कई रंगों में प्रस्तुत कर सकते हैं तो जो स्वास्तिक हम प्रस्तुत करेंगे यानी कि प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले नमूने को हम मोटिव के रूप में जानते हैं आइए देखते हैं फैशन क्या होता है तो फ़ैशन क्या है फ़ैशन का अर्थ है एक ऐसा स्टाइल जो कि मैक्सिमम पब्लिक के द्वारा पसंद किया जाए एक्सेप्ट किया जाए और अपनी प्रैक्टिस में लाया जाए यानी कि उसको उसकी जानकारी हो उसकी नॉलेज हो उसके एटीट्यूड में वो शामिल हो जाए उसकी अभिवृत्ति में वो शामिल हो जाए और प्रैक्टिस में वो उसको ले आए जैसे हम कोई ऐड देखते हैं कहीं कोई विज्ञापन जो टीवी पे, रेडियो पे या कहीं रोड पे हम देखते हैं उस विज्ञापन को देखा इसका मतलब हम उस विज्ञापन से संबंधित जानकारी प्राप्त हो गई है अब उस विज्ञापन से संबंधित जो भी सामग्री है यदि हम उस सामग्री को परचेज कर लेते हैं इसका मतलब वो हमारी अभिवृत्ति में शामिल हो गई और अगर हम उस सामग्री का प्रयोग भी कर लेते हैं तो वो हमारी प्रैक्टिसेस में शामिल हो गया तो जो लगातार हम अपनी प्रैक्टिस में शामिल कर पा रहे हैं अपनी इच्छा और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वो क्या है फ़ैशन वो जब हम किसी स्टाइल से प्रयोग करते हैं तो वो फैशन की श्रेणी में ही आता है अब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के संदर्भ में हमारे मन में विचार सबसे पहले आता है कि टेक्सटाइल से संबंधित कौन कौन से डिज़ाइंस कौन कौन से फ़ैशन हो सकते हैं और उन फैशन की जो श्रेणियाँ हैं उनको हम किन प्रिंसिपल्स पर आधारित तो होकर समझ सकते हैं तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से संबंधित कुछ सिद्धांत आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो किस प्रकार हैं पहला है दोहराव यानी कि जो भी फैशन या जो भी डिज़ाइन या जो भी मोटिव हमारे सामने है जो भी मोटिव हमने बनाया है या पसंद किया है उस मोटिव को हम दोहराव के साथ प्रस्तुत कर रहे हों जैसे नीला काला नीला यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो नीले रंग का प्रयोग हमने दो बार किया तो ये दोहराव को प्रस्तुत करता है जैसे हम सलवार कुर्ता और दुपट्टा प्रयोग में लाते हैं तो सलवार कुर्ते और दुपट्टे में अधिकतर कुर्ते का रंग जो है वो विपरीत होता है और दुपट्टे और सलवार का रंग एक जैसा होता है तो ये दर्शाता है कि हम उस फैशन के दोहराव को प्रस्तुत कर रहे हैं दूसरी चीज़ आती है श्रेणीकरण श्रेणीकरण का मतलब होता है ग्रेडेशन से फ़ैशन को जब हम समझ जाते हैं तब हम उसको श्रेणीबद्ध कर लेते हैं श्रेणीबद्ध कैसे करा जाता है श्रेणी आपने सुना होगा कि कक्षा में श्रेणी प्रदान की जाती है फर्स्ट सेकंड, थर्ड ऐसे ही जो ग्रेडेशन होता है वो कलर को लेकर डिज़ाइन को लेकर जो डिज़ाइनर पैटर्न्स होते हैं जो नमूने होते हैं उनको लेकर उनका श्रेणीकरण होता है फर्स्ट ग्रेड की श्रेणी में उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो अचानक से आपके सामने आए और आपके सामने अपना आकर्षण प्रस्तुत करें और आप उस आकर्षण से आकर्षित हो जाएं। वो प्रथम श्रेणी में उन चीज़ों को रखा जाता है और वो सभी लोगों के द्वारा पसंद किया जाए द्वितीय श्रेणी में वो चीज़ें आती हैं जो सभी के द्वारा पसंद की जाती हैं मगर उसे कुछ ही लोग प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं और तृतीय श्रेणी में उन चीज़ों को रखा जाता है जिन्हें सभी लोग पसंद नहीं करते हैं कुछ पसंद करते हैं और कुछ पसंद नहीं करते हैं कुछ प्राप्त कर पाते हैं और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो ये ग्रेडेशन जो है जब हम टेक्सटाइल के संदर्भ में देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी विज्ञापन देखकर हम किसी भी चीज़ से आकर्षित हो गए मान लीजिए आपने किसी प्रकार के वस्त्रों का विज्ञापन देखा और आप उस विज्ञापन को देख आकर्षित हो गए कि बहुत ही खूबसूरत कोई वस्त्र है जब आप उस वस्त्र को देखने के बाद उसके पास पहुँचते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं कि उसका रेट क्या है रेट के आधार पर आप उसको श्रेणीकरण करते हैं यदि वो बहुत महंगा है आपके बजट से बाहर है तो आप उसको पसंद करते हुए भी नापसंद कर देते हैं या वो आपके बजट के अंदर है और आपको उस समय उसकी आवश्यकता नहीं है तो भी आप उसे पसंद करते हुए उस समय नापसंद कर देते हैं और यदि वो आपके बजट के अंदर है और आपकी आवश्यकता भी है तो आप उसे प्राप्त करने का पूरा प्रयास करते हैं तो ये श्रेणीकरण जो है वो टेक्साइल में कैसे आता है कैसे प्रयोग होता है ये हमने जान लिया अब हम बात करेंगे लय की लय जो है वो डिज़ाइन में कैसे आती है कैसे रिद्म बनता है कोई भी चीज़ यदि सौंदर्य की दृष्टि से देखी जाती है तो उसमें लय का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है लय कैसे हमें प्रभावित करेगी लय का अगर हम सीधा सा उदाहरण देखें तो लय का मतलब है एक बार आरोही क्रम में चढ़ना और अवरोही क्रम में उतरना चढ़ाव और उतराव का जो क्रम लगातार चलता है उसे ही हम लय के रूप में समझ सकते हैं लय विशेष रूप से गाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है लेकिन यदि हमारी आँखों में सौंदर्य का प्रदर्शन किसी वस्तु के माध्यम से किया जा रहा है और उस वस्तु में लय नहीं है तो वही वस्तु हमें आकर्षित नहीं कर पाती है यदि आप देख रहे हैं कि तीन फूल एक जैसे हैं एक फूल अलग है तो निश्चित रूप से आपकी नज़रें वहाँ पर रुक जाएंगी आपकी आइज वहाँ पे स्टेबल हो जाएंगी और आपको कुछ अटपटा सा महसूस होगा लेकिन अगर आप देखेंगे कि तीन फूल एक रंग के हैं फिर एक विपरीत रंग का है फिर तीन एक रंग के फिर एक विपरीत रंग का है फिर तीन एक रंग के एक विपरीत रंग का है तो आपकी आंखों में लय उत्पन्न हो जाती है ऐसा ही फैशन की दृष्टि से भी होता है नेक्स्ट हमारा आता है विकिरण या रेडिएशन रेडिएशन कहाँ और कैसे होता है फैशन में रेडिएशन का क्या रोल है रेडिएशन का मतलब होता है केंद्र से परिधि की ओर आपका प्रकाश का फैलना प्रकाश का जो माध्यम हमें वस्तुओं को दिखाने में सहयोग कर रहा है क्योंकि कोई भी वस्तु हमें ऐसे ही दिखाई नहीं पड़ती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें आवश्यकता होती है प्रकाश की यदि अचानक से लाइट चली जाती है तो कुछ सेकंड्स के लिए आप महसूस करते कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा हो गया लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद आप महसूस करते हैं कि आप आसपास की चीज़ों को धीरे धीरे करके देख पा रहे हैं भले ही उसका बहुत क्लियर कलर आपको ना दिखाई पड़ रहा हो मगर आप वस्तुओं को पहचान सकते हैं समझ सकते हैं कि हाँ ये वस्तु विशेष है लेकिन जब हम बात विकिरण की करेंगे रेडिएशन की करेंगे तो जो प्रकाश लहर होती है हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रकाश लहर कैसे हमें प्रभावित करती है कैसे हमारी आँखों में वो आकर्षण उत्पन्न करती है प्रकाश अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है लेकिन अभी हम सिर्फ प्रकाश लहर की बात कर रहे हैं सबसे लंबी प्रकाश लहर जो होती है वो लाल रंग की होती है और सबसे छोटी प्रकाश लहर जो होती है वो बैगनी रंग की होती है इसको हम आपको एक और तरीके से समझा सकते हैं इसको हम किस प्रकार से समझेंगे विकिरण को ये हम आपको बताना चाहेंगे कि जो विकिरण होता है वो कैसे हमें प्रभावित करता है हमारे फैशन के संदर्भ में मान लीजिए ये कलर का एक प्रेशर पॉइंट है यहाँ पर ये केंद्र बिंदु है अब विकिरण के लिए ये केंद्र बिंदु है यहाँ से प्रकाश लहर आपको दिखनी शुरू हो रही है और यहाँ तक दिखाई पड़ रही है तो जब आपकी प्रकाश लहर यहाँ से शुरू होती है तो ये होता है वॉयलेट कलर इसको हम विप गेयर के रूप में समझ सकते हैं वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड सबसे छोटी प्रकाश लहर से बढ़ते क्रम में सबसे लंबी प्रकाश लहर और सबसे लंबी प्रकाश लहर से घटते क्रम में सबसे छोटी प्रकाश लहर की ओर हमारी आँखें प्रभाव प्रस्तुत करती हैं और उसी के बाद हम किसी भी रंग से आकर्षित या अनाकर्षित होते हैं गर्मियों में यदि हम लाल पीले रंगों को देखते हैं लेकिन लाल रंग आपकी आँखों तक बहुत दूर होने पर भी प्रभाव प्रस्तुत कर पाता है तो आपकी आँखें अपने आप बंद होने लगती हैं आपको वो तीखापन वो गर्मपन का जो एहसास होता है वो विकिरण और प्रकाश लहर के कारण ही हो पाता है वहाँ आपको बैगनी इंडिगो ब्लू ग्रीन कलर जो है ठंडक प्रदान करते हैं और यहाँ अगर आपकी प्रकाश लहर है तो ये आपको गर्म लगेंगे अगर आप यही विपरीत मौसम में देखते हैं यदि आप ठंडक में देखते हैं तो ये रंग आपको चूँकि ठंडक ही प्रदान कर रहे हैं इन रंगों से आपकी ठंडक और बढ़ती है और इन रंगों से आपकी ठंडक जो है वो कम हो जाती है आप गर्म प्रभाव को प्राप्त कर पाते हैं फैशन भी आपके मौसम के हिसाब से आपके रंगों के परिवर्तन के लिए प्रयोग में लाया जाता है अब हम फैशन को समरसता के संदर्भ में समझेंगे समरसता या हारमोनी से क्या तात्पर्य है फैशन यदि समरसता के संदर्भ में किया जा रहा है उसमें एक हारमोनी है उसमें एक रस उत्पन्न हो रहा है उसमें एक सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट दिखाई पड़ रहा है उसमें मिलते जुलते कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें आकर्षित करती हैं मान लीजिए किसी कमरे की सज्जा की गई है और उसमें फैशन का ध्यान रखा गया है फैशन के हिसाब से उसमें नवीनीकरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है उसमें जो नए उद्योग चल रहे हैं उससे संबंधित जानकारी दी जा रही है या उसमें सिर्फ किसी विशिष्ट प्रकार के फूलों का प्रदर्शन किया जाना है मान लीजिए वहाँ पे सिर्फ गुलाब के फूलों का प्रदर्शन किया जाना है और गुलाब के द्वारा फैशन को प्रदर्शित करना है अचानक से उसमें दो गुच्छे फूलों के गेंदे के अगर आपने शामिल कर दिए तो वो वहाँ पर रिद्म को हारमोनी को तोड़ते नजर आएंगे यानी कि उसमें समरसता के भाव को वो कम करेगा तो वहाँ फैशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फैशन में अनाकर्षण उत्पन्न होना स्वाभाविक है नेक्स्ट है हमारा पॉइंट अंतर यानी कि कंट्रास्ट फैशन में कंट्रास्ट का भी एक अलग महत्व है एक अलग प्रभाव है फैशन में कंट्रास्ट का एक ट्रेंड आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कलर के साथ या फिर किसी विशिष्ट वेशभूषा विशिष्ट वस्त्र के माध्यम से हम फैशन को समझते हैं और कंट्रास्ट का प्रयोग करते हैं जैसे ब्लैक एंड वाइट ये कंट्रास्ट कॉम्बिनेशन है अगर आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें आपके पास अलग अलग डिफरेंट टाइप के शर्ट्स हों डिफरेंट टाइप के पैंट्स हों लेकिन कॉम्बिनेशन अगर आपने उसे बना लिया तो आप नोटिस करेंगे कि एक डार्क और एक लाइट का कॉम्बिनेशन आप प्रयोग करते हैं और वो एक्सेप्टेबल है वो फैशन में वो ट्रेंड ही है कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए कुछ विशिष्ट ऐसा पीरियड होता है जिसमें कुछ कलर विशेष का चलन ज़्यादा देखा जाता है और उसे हम फैशन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं लेकिन वो फॉर टाइम बिंग है फैशन स्टेबल नहीं है लेकिन फैशन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं भी हम इसको आगे चर्चा करेंगे अब हम बात करेंगे डोमिनेंस की फैशन में क्या चीज़ें डोमिनेंस के रूप में देखने को मिल रही है कौन सी चीज़ें प्रभाव डाल रही हैं फैशन हर चीज़ का अलग अलग होता है कभी फैशन आता है डाइनिंग टेबल का कभी फैशन आता है सोफ़े टी का कभी फैशन आता है कपड़ों विशेष का कभी फैशन आता है किसी विशेष रूप के हेयर स्टाइल का कभी फैशन आता है सैंडल बैग पर्सेस का कभी फैशन आता है बेल्ट स्टाइल का कभी रिंग्स का कभी ज्वेलरी का तो जैसा एटमॉस्फेयर चेंज होता जाता है जैसे लोगों की पसंद और आवश्यकताएं होती जाती हैं वैसे, वैसे वैसे फैशन में समय समय के हिसाब से परिवर्तन देखने को मिलता है और जो चीज़ें ज़्यादा प्रभाव डालती हैं वो लंबे समय तक याद करी जाती हैं कि प्रभाव कौन सा फ़ैशन डालता है कोई विशिष्ट व्यक्ति के हिसाब से फ़ैशन उसके नाम विशेष के रूप में हम समझ सकते हैं जैसे अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल या उसके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों का स्टाइल कोई बॉटम पैटर्न है या फिर साधना कट हेयर स्टाइल तो जो भी स्टाइल है उसको एक लंबे समय तक अलग अलग नामों से हो सकता है प्रयोग किया जाए लेकिन समय विशेष में वो नाम यदि कोई लेता है तो व्यक्ति समझ जाता है कि उस विशिष्ट फैशन की बात की जा रही है बीच में कुछ कलर कॉम्बिनेशन एक साथ प्रयोग में लाए जाते थे जैसे पांचाली रंगों का प्रयोग किया जा रहा था पाँच रंगों वाला संयोजित डिज़ाइन का एक वस्त्र प्रयोग में लाया जाता था जिसे पांचाली का नाम दिया गया था तो पांचाली जैसे ही कोई बोलता था लोगों को क्लियर हो जाता था, था अच्छा पांचाली मतलब कि पांच रंगों के प्रयोग किए जाने वाले एक कॉमन वस्त्र की बात हो रही है मतलब उस वस्त्र में पाँच रंगों का प्रयोग किया गया है जो भी डिज़ाइंस बनाए गए हैं उसमें पाँच रंगों का संयोजन देखने को मिलेगा ऐसे ही फैशन में हम अनुपात की बात करना चाहेंगे फैशन में अनुपात यानी कि प्रिपोर्शन का क्या अर्थ है फैशन में अनुपात एक विशिष्ट महत्व रखता है जब भी हम कोई फ़ैशन करते हैं बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो उसका क्रेज़ कम हो जाता है बहुत कम मात्रा में करते हैं तो भी उसका क्रेज़ कम हो जाता है यदि हम उसमें एक बैलेंस रखते हैं तो उसका क्रेज बना रहता है फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम एक रंग का वस्त्र पहनते हैं और उसमें किसी कॉर्नर पे एक छोटा सा बिंदु बना लेते हैं या कोई छोटा सा अट्रैक्टिव पैटर्न लगा लेते हैं सलमा सितारे जड़ लेते हैं और छोटा सा मोटिव बना लेते हैं तो वो उतना आकर्षक नहीं लगता है लेकिन अगर उसे प्रपोर्शन में यानी कि एक निश्चित अनुपात में वन बाई टू टू बाई थ्री थ्री बाई फोर कुछ इस तरीके के अनुपात में हम उसको प्रयोग में लाते हैं तो वो ज़्यादा आकर्षक लगता है और फ़ैशन के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है फ़ैशन के अगले सिद्धांत के रूप में हम बात करेंगे पैमाना यानी कि स्केल की पैमाना या स्केल कैसे हमारे फैशन को प्रभावित करता है किसी भी कार्य को करने में यदि हम पैमाना निर्धारित कर लेते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे परिणाम प्रस्तुत करता है इसी प्रकार यदि हम फैशन कर रहे हैं और फ़ैशन में हमने पैमाना बना लिया है एक स्केल बना लिया है कि फ़ैशन हम किस सीमा तक करेंगे उस सीमा तक फैशन किया जाना उचित माना जाता है जिस सीमा तक हम अपने व्यक्तित्व को डिस्टर्ब ना कर रहे हों हमारा जो विशिष्टता दर्शाने वाला व्यक्तित्व है यदि वो हमारे फैशन से प्रभावित हो जा रहा है तो वो फैशन बहुत लंबे समय तक टिकता नहीं है फैशन में स्केलिंग करा जाना बहुत आवश्यक है कि हमें फैशन किस संदर्भ में करना है क्या वो फैशन जो हम कर रहे हैं क्या वो हमारे प्रोफेशन को सूट करेगा क्या वो फैशन हमारे कार्य में बाधा तो नहीं उत्पन्न कर रहा है क्या वो फ़ैशन हमारी फ़ैमिली को बाधा तो नहीं दे रहा है या हमारी फैमिली के द्वारा अस्वीकृत तो नहीं है तो फैशन किए जाने के लिए हम इन स्किल्स के साथ साथ फ़ैशन जिस लोकेशन में किया जाना है उस लोकेशन में भी फैशन को ध्यान में रखेंगे मान लीजिए आपने फ़ैशन का कोई आइकॉन सेलेक्ट कर लिया आपने कोई ब्रांडेड मटेरियल यूज़ कर लिया आपने प्लान कर लिया कि हम किलर की शर्ट पहनेंगे या बॉम्बे नाएंगे की बेडशीट यूज़ करेंगे और आप उसको लेके किसी गांव विशेष में गए जहां लोगों को खाने पीने की भी व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो वहां पे आपके उस किलर की शर्ट का या बॉम्बे डाइंगी बेडशीट का कोई रोल नहीं है वो फैशन के रूप में एक्सेप्टेबल नहीं होगा तो फैशन जो है वो कैसी जगह हो उसके लिए आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी कौन सा फैशन कब कहाँ उपयुक्त है कब किया जाना चाहिए कहीं सादगी भरा इन्वायरमेंट है वहाँ पे आप बहुत आकर्षक वस्त्रों का प्रयोग करते हैं या आकर्षक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो वो फैशन के रूप में स्वीकृत नहीं होंगे या कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा वातावरण है खुशनुमा माहौल है वहाँ पे आप बहुत सादगी वाले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो वो भी आपके फ़ैशन के रूप में स्वीकृत नहीं होंगे तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि स्केलिंग हम कब और कैसे करें और सिद्धांतों पर नज़र डालने से पहले हम देखेंगे कि स्केल किस पर केंद्रित रहता है तो स्केल जो है वो सिर्फ साइज को डील करता है कि वो कोई भी चीज़ जो है वो दिखने में कितने बड़े साइज़ की है उसका जो भारात्मक प्रदर्शन है उसकी ही बात नहीं हो रही है उसका जो आकार है उसकी बात हो रही है और ये किससे प्रभावित होता है ये कई बार लाइन से कई बार कलर से और कई बार शेप और उसके मूल्यों से प्रभावित होता है स्केल से मतलब जो फैशन है उसके स्केल की बात हो रही है फैशन में हम किस चीज़ को वैल्यू कर रहे हैं कौन सी चीज़ हमारे लिए मूल्यवान है फैशन में हम किस लाइन ऑफ फैशन को प्राप्त करना चाह रहे हैं फैशन में हम किन कलर्स को पसंद कर रहे हैं फैशन में हम किस शेप पर फोकस कर रहे हैं ये हमारे स्केल्स के द्वारा ही निर्धारित होता है नेक्स्ट हमारा आता है बैलेंस या संतुलन बैलेंस या संतुलन का तात्पर्य है कि दिखने में भारात्मक प्रदर्शन जिस फैशन के माध्यम से होता है उसे हम बैलेंस के रूप में शामिल करते हैं यानी कि फैशन का एक ऐसा स्टाइल जो हमारी आँखों में संतुलन प्रदर्शित कर रहा हो हमारी आँखों में बैलेंस दिखा रहा हो जैसे हम अगर नीले काले को प्रयोग में ला रहे हैं काले की मात्रा अधिक है या नीले की मात्रा अधिक है तो ये एक अनुचित अनुपात को दर्शा रहा है उसमें एक प्रोपोर्शन प्रॉपर नहीं है उसमें एक संतुलन की स्थिति नहीं पैदा हो रही है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दो चीज़ों को ऐसे रखते हैं तो ये बैलेंस नहीं है लेकिन अगर हम इक्वल लेवल पर रखेंगे तो हमारी आइज़ को देखने में भी संतुलित मात्रा में चीज़ दिखाई पड़ेगी अब हम बात करना चाहेंगे यूनिटी या एकता की हमारे फ़ैशन में यूनिटी का क्या रोल है यूनिटी या एकता से क्या तात्पर्य है यूनिटी और एकता से तात्पर्य है कि हम जो फ़ैशन कर रहे हैं उससे संबंधित चीज़ की जानकारी भी हमें हो हम उस फैशन को अगर फैशन निकल जाने की बात कर रहे हैं या उसमें से हमने कुछ चीज़ें दूसरे फैशन की प्रयोग में ले आई हमने ज्वेलरी का फैशन चल रहा है और हम अपने कपड़ों पर फोकस कर रहे हैं या कपड़ों और ज्वेलरी का कोई आपस में कॉम्बिनेशन नहीं है मेरे कहने का तत्पर यह है कि हम जब भी फैशन करें तो उसमें यूनिटी का विशेष ध्यान रखें अगर हम मॉडर्न प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मॉडर्न दिखने वाली चीज़ों का ही हेयर स्टाइल हो मॉडर्न ही कपड़े हों मॉडर्न ही हमारा प्रेजेंटेबल पोजीशन हो मॉडर्न लुक हमारा पूरा हो ऐसा ना हो कि हमने कपड़े पहने हों अपने ट्रेडिशनल और हमने मॉडर्न लुक देने के लिए उसमें हेयर स्टाइल मॉडर्न लगा लिया हो और हमने उसमें जो शूज़ या ज्वेलरी यूज़ करी हो या हमने जो बैग्स पर्सेज बेल्ट वगैरह यूज़ करी हो वो हमने ट्रेडिशनल यूज़ कर ली हो तो ये मिस मैच हो जाएगा मैचिंग का क्या होगा कि हम उस पर्टिकुलर विशेषता का कि जो एकता है उसका ध्यान रखें उसकी यूनिटी को बरकरार रखें कि जिस संदर्भ में हमें तैयार होना है उसी संदर्भ में हम अपने फैशन को प्रदर्शित करें नेक्स्ट हमारा जो फैशन का क्राइटेरिया है उसको हम तीन तरीके से मुख्य रूप से समझ सकते हैं पहला हाई फैशन दूसरा मास फैशन तीसरा स्टाइल हाई फैशन से क्या तात्पर्य है हाई फैशन से तात्पर्य है एक ऐसा स्टाइल, एक ऐसा फैशन जो कि कम मात्रा में हो और उच्च दाम को प्रदर्शित करता हो यानी कि ऐसी चीज़ें कुछ ब्रांडेड चीज़ें अगर आप बात करना चाहेंगे कि वुडलैंड है ठीक है ये आपके लेदर के ब्रांड को प्रदर्शित करता है तो लेदर की जो भी चीज़ें हैं वो आपको वुडलैंड के उसमें दिखाई पड़ेंगी देखने को मिलेगा मोंटी कार्लो है तो आपको वुलेंस का जो कलेक्शन मिलेगा वो आपको उसमें मिल जाएगा तो ये ब्रांड दर्शा रही है अब ये ब्रांड जो है वो कम मात्रा की चीज़ों को बना रही है मतलब वो सब कुछ नहीं बना रहा है ये नहीं कि वुडलैंड है तो वुडलैंड का आपको जो है लड्डू भी मिल जाएगा वुडलैंड का पेड़ा भी मिल जाएगा वुडलैंड की चादर भी मिल जाएगी वुडलैंड की आपको शूज़ और बैग्स भी मिल जाएंगे ऐसा नहीं है उस पर्टिकुलर ब्रांड का एक क्राइटेरिया है कि वो कम मात्रा में लिमिटेड चीज़ों को बनाएगा मगर उच्च दाम पर उन्हें प्रस्तुत करेगा तो ये क्या कहलाता है हाई फैशन इसको हम स्टैंडर्ड फैशन के रूप में भी समझ सकते जो हमारा हाई फैशन है ये हमारे द्वारा किए जाने वाले उच्च व्यवहार का प्रदर्शन करता है और इसमें हम जो भी स्टाइल जो भी डिज़ाइंस प्रयोग में लाते हैं वो एक लघु समूह के द्वारा पसंद किया जाता है और फैशन लीडर द्वारा जिसकी पब्लिसिटी की जाती है फैशन लीडर से तात्पर्य है कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ ऐसे फैशन को प्रॉट करने वाले व्यक्ति विशेष विशिष्ट पर्सनैलिटी वाले जो उस फैशन के द्वारा ही जाने और पहचाने जाते हों कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है ये ब्रांड एम्बेसडर है इस पर्टिकुलर ब्रांड को प्रदर्शित करेगा उससे ही इसमें प्रयोग मिलाया जाता है और उसके द्वारा जो फैशन प्रदर्शित होता है उसे हम हाई फैशन की कैटेगरी में रखते हैं हाई फैशन में जो भी फैशन होते हैं उनका परिवर्तन बहुत कम होता है और बहुत कम समय के लिए होता है लंबे समय तक चलने वाले फ़ैशन को भी हम हाई फैशन की श्रेणी में रखते हैं यानी कि ऐसा फ़ैशन जो पहले ही परिवर्तित हो चुका है जिसमें बहुत कम परिवर्तन की गुंजाइश है और लोगों के द्वारा वो पसंद किया जा रहा है उसकी ब्रांड धीमी गति से लोगों पर अपना बड़ा प्रभाव प्रस्तुत करती है नेक्स्ट हमारा आता है मास फैशन जो कि बड़े स्तर पर ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है इसमें मध्यम से कम दाम देखने को मिलते हैं बड़ा स्तर से तात्पर्य है कि लार्ज स्केल पर लोग इस फैशन को एक्सेप्ट करते हैं इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा लोगों द्वारा ये ज़्यादा मात्रा में स्वीकृत होता है तो ऐसा फैशन जो है जो कि मास लेवल पे एक्सेप्टेबल हो जिसको कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता पसंद करती है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर सकते हैं जिसके दाम मध्यम से कम हो रहे हैं क्योंकि फ़ैशन में अभी हम आपको फ़ैशन थ्योरी के बारे में बताएंगे, तो आप जानेंगे कि फ़ैशन की जो चीज़ें होती हैं वो उच्च स्तर पर मध्यम स्तर पर और निम्न स्तर पर तीनों ही स्तरों पर देखने को मिलती हैं एक ही जैसे रंग के एक ही जैसे पैटर्न वाले वस्त्र आपको तीनों ही कैटेगरी में देखने को मिल सकते हैं बस उसकी क्वालिटी में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा आप जो पैटर्न शिफॉन में देखेंगे वही पैटर्न आपको जॉर्जेट में दिखाई पड़ेगा और वही पैटर्न आपको सिंथेटिक सिंपल सिंथेटिक मटेरियल में भी देखने को मिल सकता है शिफॉन का जो रेट होगा वो बहुत हाई स्टैंडर्ड होगा जॉर्जेट मीडियम ग्रेड का होगा और नॉर्मल सिंथेटिक जो मटेरियल होगा वो बिलो मीडियम होगा तो ये तीनों ही कैटेगरी आपको देखने को मिल सकती है सेम पैटर्न सेम कलर सेम डिज़ाइन में लेकिन उस मटेरियल की क्वालिटी के बेसिस पर हम उसके स्तर का प्रमाण प्रदान करते हैं कि ये किस ग्रेड का वस्त्र है या किस ग्रेड का डिज़ाइन है या किस ग्रेड का फैशन है नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टाइल की स्टाइल क्या होता है स्टाइल को हम कैसे समझ सकते हैं स्टाइल का कहाँ पर हम प्रयोग करते हैं स्टाइल का क्या यूज़ है स्टाइल जो है वो विशिष्टता को प्रदर्शित करने का काम करते हैं किसी विशेष प्रदर्शन द्वारा किसी परिधान में विभिन्नता लाने को ही हम स्टाइल के रूप में समझ सकते हैं स्टाइल के रूप में किसको समझ रहे हैं हम किसी विशिष्ट परिधान में विभिन्नता लाना फैशन को यहाँ पर हम परिधान के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फैशन सिर्फ परिधानों तक ही सीमित नहीं है फैशन हेयर स्टाइल में हो सकता है फैशन आपके रहन सहन में हो सकता है फैशन आपकी बोलचाल में हो सकता है फैशन आपके जो सामान आपके द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं खाने पीने की जो चीज़ें आप प्रयोग में ला रहे हैं जो चलन में है वो फैशन है फैशन की जो मात्रा है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा जब हम तक पहुंचाई जाती है अधिक मात्रा पहुंचाई जाती है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कम होता है कम मात्रा पहुंचाई जाती है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपसे कहा जाए कि आज आपको ये विशेष चीज़ नहीं खानी है तो आपको उस विशेष चीज़ को खाने का मन करेगा वैसे ही फैशन में जो चीज़ें हम लगातार देखते आ रहे हैं उसमें कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं दिखाई पड़ती है जब इनोवेशन नहीं है यानी कि कोई नयापन नहीं है नवीनीकरण नहीं है तो वो बोरियत पैदा कर देता है तो फैशन क्या है जो बोरियत ना पैदा करे जो हमेशा आकर्षक लगे वो हमारे फैशन के रूप में समझा जाता है फ़ैशन में निर्माणकर्ता और जो रिटेलर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है स्टाइल को प्रमोट करने में जितना निर्माणकर्ता का रोल होता है उतना ही उसके रिटेलर का भी रोल होता है जब भी कोई एड आप देखते हैं उस एडवर्टीज़मेंट में आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि उस जो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है उसके उत्पादन कैसे हो रहा है इस पर फोकस नहीं होता है लेकिन वो आपके लिए कितना यूज़फुल है कितना लाभदायक है आपको कैसे प्रभावित करना है इसके लिए वो पूरा प्रयास करते हैं किसी विशिष्ट वस्तु का यहाँ पर हम नाम नहीं लेंगे लेकिन आप जब भी एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो आप देखते हैं कि कभी आपको विटामिन डी वाली चीज़ें दी जा रही हैं कभी आपको न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड और अन्य जानकारी दी जा रही है कभी आपको किसी मेडिसिन की जानकारी दी जा रही है कभी आपको किसी विशिष्ट वस्त्र की जानकारी दी जा रही है कभी आपको कोई हेयर स्टाइल या किसी अन्य स्टाइल की जानकारी दी जा रही है कभी किसी बुक के बारे में बताया जा रहा है कभी किसी स्थान विशेष की जानकारी दी जा रही है तो ये जो विशेष जानकारी आपको दी जाती है जब ये फैशन के संदर्भ में दी जाती है तो ये स्टाइल के रूप में एक्सेप्ट की जाती है <skeptical> इसमें कुछ डिज़ाइंस और फीचर्स को भी हम शामिल करते हैं जब हमारा जो फैशन का स्टाइल है लंबे समय तक चलता है तो हम इसे क्लासिक फैशन के रूप में समझते हैं आइए देखते हैं हम आपको बता रहे थे कि क्लासिक फैशन क्या होता है क्लासिक फैशन से तात्पर्य है कि लॉन्ग लास्टिंग जो चलने वाला फैशन है वो क्लासिक फैशन की श्रेणी में आता है एक लंबे समय तक चलने वाला फैशन जो कि हमारे मैक्सिमम कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करता है अधिक से अधिक जनता जिसे संतुष्ट हो जाती है वो हमारे क्लासिक फ़ैशन के रूप में माना जाता है और ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं इसके बाद बात करेंगे हम टेस्ट की डिज़ाइन की और फैशन फैट की टेस्ट और डिज़ाइन जो होता है वो फैशन में क्या रोल प्ले करता है टेस्ट से मतलब है कि हमारा टेस्ट कैसा है टेस्ट का मतलब यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों से संबंधित टेस्ट की बात नहीं हो रही है टेस्ट का मतलब है आपकी रुचि किस में है आप किस प्रकार की रुचि का प्रदर्शन करते हैं कुछ लोगों को मॉडर्न चीज़ों का टेस्ट होता है कुछ लोगों को ट्रेडिशनल चीज़ों का टेस्ट होता है सबका अपना एक अलग स्टाइल होता है एक अलग इंटरेस्ट होता है और अलग अलग प्रकार का रुचि प्रदर्शन होता है कुछ लोगों को फ्यूज़न में मज़ा आता है फ्यूज़न से मतलब है कि दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ फ्यूज़ करके वो प्रयोग में जब लाते हैं वो उनका एक अपना अलग स्टाइल होता है तो वो उनका टेस्ट है बात हो रही थी यहाँ पे डिज़ाइन की अब डिज़ाइन जो है वो पर्टिकुलर किसी समय विशेष के द्वारा किसी विशेष समय में किसी विशेष व्यक्ति द्वारा किसी ब्रांड के माध्यम से प्रदर्शित होती है और उस डिज़ाइन का सिर्फ़ और सिर्फ उससे संबंधित चीज़ों में यदि प्रयोग किया जाता है जैसे अगर पूजा पाठ की चीज़ें हैं उसमें आप स्वास्तिक ओम का प्रयोग कर रहे हैं तो वो उसके साथ जाएगा उस डिज़ाइन के लिए हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे लेकिन वहीं पर अगर हम कोई कार्टून फिगर बना देते हैं और उसका हम पूजा पाठ के लिए प्रयोग करते हैं तो वो हमारे द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा आम जनता जो है उन्हीं चीज़ों को स्वीकृत करती है जिसको कि मेज़ॉरिटी एक्सेप्ट करती है तो वो डिज़ाइन ही स्वीकृत होते हैं वो हमारे फ़ैशन का पार्ट बन जाते हैं अब हम बात करेंगे फ़ैशन फ़ैट की फ़ैशन फैट क्या होता है फ़ैशन फैट से मतलब होता है ऐसा फ़ैशन जो आया और चला भी गया यानी कि जिसकी जानकारी सबको हो ही नहीं पाती है जो कि बोरियत भरा हो सकता है हो सकता है बहुत आकर्षण उत्पन्न करे लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो दोनों ही प्रकार की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं तो शॉर्ट लिविंग जो चीज़ें होती हैं कम समय के लिए जो चीज़ें आती हैं बहुत तेज़ी से आई और बहुत तेज़ी से चली गई उन्हें हम फैशन फैट के रूप में समझ सकते हैं बात हो रही थी फैशन थ्योरी की तो फैशन कैसे बढ़ता है ट्रिकल डाउन थ्योरी फैशन में चलती है फैशन नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है और ऊपर से नीचे की ओर आता है मतलब कि वो एक सर्कल में मूव करता रहता है फैशन का जो वो है फिगर उसको हम आप इस तरीके से समझ सकते हैं फैशन बढ़ता है फिर फैशन उतरता है ये जो टाइम आता है जिसमें कि फैशन एक स्टेबल पॉइंट पे है ये फैशन फैड का दौर होता है या तो वापस से बढ़ जाएगा या तो वापस से वो उतर जाएगा तो जब स्थिर हो जाता है ये फैशन फैट के टाइम में जब लोग उसको देख के बोर हो रहे हों ऊब रहे हों वो स्थिति जो है फैशन को डाउन करने में हेल्प करती है फैशन एकदम से हाई हो रहा है तो ये हाई फ़ैशन हो गया लो हो गया तो लो फैशन हो गया अगर ये ज़्यादा पसंद किया जा रहा है तो ये क्लासिक फैशन हो जाता है और अगर शॉर्ट टर्म के लिए आया और चला गया तो ये फैशन फैट की थ्योरी में शामिल होता है फैशन फैट कहलाता है तो फैशन के बारे में आज हम लोगों ने बहुत जानकारी प्राप्त करी इसी के साथ ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है धन्यवाद